2024 में ही पांचवें चरण में 20 मई रायबरेली में मतदान होने हैं, लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी पांच या खासकर रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और सत्ताधारी दल व निर्दलीय में भी ताल ठोक रही है। लेकिन इस बीच जिले के बहुचर्चित संघर्षशील एससी ओबीसी बहुजन समाज के युवा नेता देशराज पासकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे समाज का हर बार वोट लेकर राजनीतिक पार्टियां ठगने का काम करती हैं। वोट तो ले लेती है लेकिन कभी भी मुड़कर नहीं देखती है। चाहे किसी के साथ अन्याय हो, जुल्म हो या किसी को कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस राजनीतिक पार्टी से बात बनेंगे उसको सपोर्ट किया जाएगा। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है समाज की तरफ से कि मैं देशराज पासी, पासी समाज जिला अध्यक्ष रायबरेली, पूरे जिले का नेतृत्व कर रहा हूँ। अपने समाज का प्रेस करने का उद्देश्य ये है कि आज तक चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमारे समाज को इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने के बाद में कहीं थाने में हो, कहीं भी हो, अत्याचार होता है तो उनको सपोर्ट नहीं दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं और आपने समाज के माध्यम से कि लोकसभा 2024 में 20 मई को हम लोग अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। जिस भी पार्टी का हम लोग समर्थन हमारा समाज कहेगा करेंगे, लेकिन मान सम्मान और उसकी बाद में अत्याचार होगा। जो भी पार्टी समर्थन करेगी, सपोर्ट करेगा, हम लोग उसका भी सम्मान करेंगे और समर्थन देने का काम करेंगे। लेकिन आज तक अभी इतने दिन हो गए, ऐसा ना कांग्रेस ने, भाजपा ने अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इसलिए हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग और संगठन के लोगों ने कहा कि आप अपनी आवाज़ करिए और आप आगे आइए, अपना नेतृत्व करिए और समाज को आपके ऊपर विश्वास है। इसलिए मैं आज माध्यम से आपके मैसेज पहुंचा रहा हूं। जिस भी पार्टी का समर्थन करूंगा, अगर पासी समाज की, अगर वो मान सम्मान की बात करेगा तभी हम लोग समर्थन करेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में अपने समाज को खासकर क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? हम अपने समाज को दिशा निर्देश ये देना चाहते हैं, बहुजन समाज के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं और पासी समाज के जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उनसे अपनी तरफ से कह रहा हूं कि उसी आदमी का समर्थन दिया जाएगा जो हमारे बहुजन समाज और पासी समाज की बात करेगा और न्याय और हक अधिकार की बात करेगा। इस लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? इस लोकसभा में तो अभी प्रत्याशी ही नहीं घोषित हुए हैं, तो इसलिए जो है कि अभी हम लोग कुछ नहीं है। अभी बीएसपी से जो है ठाकुर प्रसाद जी नामांकन कर चुके हैं, अभी कांग्रेस से भी कोई नहीं किया है, ना भाजपा से किया है, लेकिन सब प्रत्याशियों के नामांकन होने के बाद में हमारा संगठन बैठ करके, जितने भी संगठन के मेन पार्टी के लोग हैं, बैठ करके निर्णय लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग समर्थन की बात करेंगे।